अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ। तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। जैसा कि हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि अगर हमारी गाड़ी रनिंग में ना हो तो हमारी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाती है। तो किस तरीके से हम घर पर ही विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप चार्जर इस बैटरी को ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। तो इसको इस सेटअप को बनाने के लिए सिर्फ आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसी दो वायर्स जो कि 1 से 1.5 फुट की होनी चाहिए, फिट की होनी चाहिए, और एक बल्ब चाहिए आपको, और एक आपको लैपटॉप चार्जर चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप का चार्जर लेना है। आप अपने चार्जर के बैक साइड पे देखेंगे मेंशन हुआ हुआ होता है जो चार्जर की पिन होती है कि इसका आउटसाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे कि मेरा आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव है और जो इनसाइड है वो नेगेटिव, देखें यहाँ पर मैंशन हुआ हुआ है। और जो मेरा चार्जर है वो 12 वोल्ट का है। तो ये जो चार्जर की पिन है इसका जो इनसाइड है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने ये बल्ब लेना है और इनसाइड में इस पिन के इनसाइड में इंसर्ट करना है इसको। हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। और जो हमारे पास केबल्स पड़ी हुई है ये हमने एक इसको अभी यूज़ करना है। ये चार्जर की पिन है इसके आउटसाइड पे जो कि पॉजिटिव है हमने अटैच कर देना है। हमने इसके आउटसाइड पे ये केबल को अटैच कर दिया और ये कोशिश करिएगा लूज़ कनेक्शन ना हो। अब जो बल्ब की दूसरी वायर है इसमें हमने दूसरी केबल अटैच करनी है। ये हमने बल्ब की दूसरी साइड पे दूसरी केबल अटैच कर दी है। अब हमने जो आउटसाइड जो कि हमारा पॉजिटिव था वो बैटरी के भी हम पॉजिटिव में अटैच करेंगे। ये हमने पॉजिटिव वाली वायर हमने पॉजिटिव में जो हमने अटैच की थी, ये हमने जो पॉजिटिव में अटैच की थी वो हमारी पॉजिटिव में आ गई है। अब जो हमारा इनसाइड जो कि नेगेटिव था वो बैटरी के नेगेटिव साइड में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब अभी ऑन हो चुका है जो कि अभी थोड़ा डिम है। ये हमने इसमें अटैच कर दी जो कि हमारा नेगेटिव साइड था, हमने नेगेटिव बैटरी के साइड पे ही इसको अटैच करा है। आप देखें हमारा बल्ब अभी ऑन तो हो गया है लेकिन ये थोड़ा डिम है। अभी मैं इसको मेन स्विच में कनेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा बल्ब की रोशनी जो है खुद ही तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी इसको मैं मेन स्विच में अटैच करूंगा तो ये जो बल्ब की रोशनी है खुद ब खुद तेज हो जाएगी। ये मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं जो बल्ब की रोशनी है ये खुद ब खुद तेज हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैटरी है वो अभी चार्ज हो रही है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे सेल्स होते हैं बैटरी में इसके ऊपर जो कैप लगे हुए होते हैं इसको आपने खोल देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कैप्स खोल दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने अपनी बैटरी को चार्ज पे लगा दिया इस लैपटॉप चार्जर की मदद से। तो आपकी बैटरी कम से कम 15 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही डेड है तो 15 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी में थोड़ी बहुत भी चार्जिंग थी तो 10 से 12 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ज़रूर आप तक लेके आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।